हिमाचल कांग्रेस महासचिव और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 21 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। इससे पहले वे सुबह 10 बजे शिमला के विधानसभा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। हिमाचल कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने सभी देवी देवताओं और जनता के आशीर्वाद से नामांकन भरने की बात कही। नमस्कार साथियों, माँ भीमा काली, माँ तारा देवी, माँ हाटेश्वरी और देवता साहब पंदोई और सभी देव समाज के आशीर्वाद के साथ हम दूसरी बार शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन 21 अक्टूबर 2022 को भरने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्योंकि आप हमारे परिवार हैं, आप सभी इस नामांकन के कार्यक्रम में शामिल हो। सुबह 10 बजे विधानसभा चौक से हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा समस्त शिमला ग्रामीण के परिवार से और हिमाचल प्रदेश के समस्त जनता से निवेदन है कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर उपस्थित रहे, क्योंकि ये लड़ाई केवल विक्रमादित्य सिंह की नहीं है, ये शिमला ग्रामीण के हर मतदाता की लड़ाई है। आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में शिमला ग्रामीण को सर्वश्रेष्ठ बनाने की लड़ाई है, 5000 नौकरियां पैदा करने की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे और सुविधाएं हैं, उसमें शिमला ग्रामीण को नंबर वन पे ले जाने की लड़ाई है। इसलिए मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आप सब ने अपना आशीर्वाद देने के लिए 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे विधानसभा चौक पर एकत्रित होना है और अपना भरपूर आशीर्वाद हमें अपनी विजय प्राप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी को देना है। एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।